आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये एक ऐसा विषय है जो सामान्य रूप से सोशल साइंसेस या दूसरे जो विषय हैं आर्ट्स के, उनके लिए ये बड़ा विचित्र सा लगने वाला विषय है। और ऐसा क्योंकि हम लोगों को शुरू से पढ़ाया और समझाया गया है कि एक विषय के लोग दूसरे विषय के लोगों से बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता और हर एक की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। लेकिन मैंने हमेशा ये देखने और समझने का प्रयास किया है कि यदि मनुष्य सभी सब्जेक्ट्स के विषय का केंद्र है, तो फिर सभी सब्जेक्ट्स के लोगों को आपस में बातचीत क्यों नहीं करनी चाहिए, एक उनमें डायलॉग क्यों नहीं डेवलप होना चाहिए। और इसका जो दोष है और इसका जो नुकसान हुए हैं वो शिक्षा पद्धति में हमें बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि हम सभी अध्यापन के क्षेत्र में होने के बावजूद एक दूसरे को एक दूसरे के साथ अपने विषय से संबंधित या ह्यूमन कंसर्न से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, बातें हैं, उस पर हम आपस में चर्चा नहीं कर पाते। ये कह करके कि नहीं तुम्हारा विषय अलग है और मेरा विषय अलग है, ये कह करके हम पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब आने वाली परिस्थितियों में जहां पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस ज़्यादा होने जा रही हैं और इस बात की आवश्यकता को समझा गया है कि सभी प्रकार के विषयों का केंद्र क्योंकि मनुष्य है, इसलिए सभी विषय के लोगों को आपस में बातचीत करनी चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए और नई संभावनाओं को जन्म देना चाहिए, ताकि भविष्य की मनुष्यता को हम ज्यादा आश्वस्त कर सकें कि भविष्य जो है वो ठीक होगा। और हम जिस इकोनॉमिक्स को हम फॉलो कर रहे हैं, जिन सोशल साइंसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, उसके माध्यम से जिस अति बौद्धिकता के द्वारा हमने इस धरती का, इस प्रकृति का जैसा हमने शोषण कर दिया है और जिस परिस्थिति में ला करके इसको आज खड़ा कर दिया है, उससे उसको एक नई दिशा, एक नई सेंसिबिलिटी, एक नई इंटेलिजेंस देने का ये काम हो सकता है यदि सभी लोग, सभी विषयों के लोग ये स्वीकार करें कि सभी का केंद्र मनुष्य है और मनुष्य से संबंधित बातचीत आपस में करना, समझना, जानना ये उनका दायित्व है। तब तो शायद इस धरती को हम बचा पाएंगे। सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं या ग्रीन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अन्यथा मनुष्यता को बहुत जल्दी किसी दूसरे ग्रह की तलाश करनी पड़ेगी कि मनुष्य को हम कहीं दूसरे जगह जाकर के बसाएं। इसी सारे संदर्भ में, इस सारी भूमिका पृष्ठभूमि के संदर्भ में एक पक्ष और भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संस्कृत एक ऐसा विषय है जो जिसमें सभी प्रकार के आयाम सन्निहित हैं। लोग उसको भाषा समझते हैं, लेकिन वो भाषा से बहुत अधिक आगे बढ़ी हुई एक संस्कृति है, एक वैचारिक संस्कृति है, एक जीवन पद्धति है, जिसमें सभी प्रकार के साइंसेस, सभी प्रकार के वैचारिक आयाम उपलब्ध होते हैं। इसलिए उस भाषा के भीतर जो विभिन्न वैचारिक आयाम हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए, उनको उसका एक डायलॉग, संवाद विकसित करने के लिए ये पिछले कई देर से हमारा ये प्रयास रहा है, अभ्यास भी उसका हम कर रहे हैं कि किस तरह से है जो विभिन्न विषयों के साथ हम एक डायलॉग डेवलप करें। तो उसी के संदर्भ में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था और उसमें कुछ सफलता भी मिली कि जब हमने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उसके ऊपर काम किया था, हालांकि वो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है और भूटान पे उसको लागू किया गया, लेकिन उसको हमने वैदिक ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स और जीटीपी के साथ मिलाकर के जब उसके कुछ प्रेजेंटेशंस भी दी और उसका मूल्यांकन भी किया और हमने डाटा भी इकट्ठा किया क्वेश्चनर्स बना करके, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आने लगी थी। लेकिन बीच में फिर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, बहुत सारी आपकी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं,
तो उसी दौरान चर्चा करते करते हमारे सामने आज जो हमारे साथ जुड़े हुए मुख्य वक्ता हैं, उन्होंने ये विषय हमारे मन पसंद का, मेरे बिल्कुल हृदय के करीब का ये विषय उपस्थित कर दिया है कि बुद्धिस्ट इवेल्युएशन ऑफ प्री मिड पोस्ट कोविड इकोनॉमिक सिनेरियो कि ये जो आर्थिक परिदृश्य रहा है और इसमें जिस तरह की हमने चीजों को देखा है, इकोनॉमिक स्लोडाउन भी देखा है, माइग्रेशन ऑफ लेबर्स भी देखा है और लोगों को एक दूसरे की सहायता करते हुए भी देखा है, और किस तरह से जो मनी मार्केट है और बाकी सारी चीजें हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, किस तरह से उनके परिवर्तन उनमें आए हैं, ये सारी बातों को हमने देखा और उसको समझने का प्रयास इकोनॉमिक्स के लोग अपने दृष्टि से करते हैं, प्योरली एक रैशनलिस्ट दृष्टि से करते हैं। लेकिन दूसरी ओर हमारे पास एक बुद्धिस्ट इवेल्युएशन मेथड भी है जिसके बारे में ना तो हम लोग जानते हैं ना समझते हैं और ना हमने कभी इन चीजों को कभी जानने और समझने का प्रयास किया है। और ये मुझे लगता है कि भारत का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर सोशल साइंसेस यहाँ की भाषाओं में विकसित कभी नहीं करने का प्रयास किया गया। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती थी, लेकिन प्रयास ही नहीं किया गया क्योंकि पका पकाया वहां वैसे हमें मॉडल मिलते चले गए और हमने यहाँ थोपते चले गए। उसका प्रभाव चाहे हम नेहरू की वजह से दे लें या अन्य लोगों की वजह से दे लें कि ओवर ऑब्सेशन विद द वेस्ट जो है उसकी सोशल साइंसेज के साथ होने की वजह से हमने यहाँ अपनी भाषा में एग्रेरियन बेस्ड जो है कृषि आधारित कभी भी कोई मॉडल डिजाइन डेवलप करने का प्रयास नहीं किया। और जबकि हम जानते हैं कि हमारा इतिहास बड़ा सशक्त इतिहास रहा है और बहुत रिच रहा है, तभी तो इतने बड़े बड़े जो हैं व्यापारी और जितना डेवलपमेंट्स रही हैं गुप्ता काल में और उसके बाद भी, और जब पर्टिकुलरली इतिहास के कुछ ग्रंथ आप पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली वास्को डिगामा की डायरी या अन्य आप इस तरह के जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उनको जब आप पढ़ते हैं तो आपकी पूरी एक दृष्टि बदल जाती है कि भारत का इकोनॉमिक परिदृश्य सिनेरियो क्या रहा हो। लेकिन अस्तु उसमें ना जाते हुए हम विषय की ओर आते हैं और आप सभी के साथ दो एक बातें साझा करके कि जैसे कि आप समझ पा रहे हैं इकोनॉमिक्स एक प्योरली इंटेलेक्चुअल विषय है और रैशनल रैशनल बेस्ड है और डाटा उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, कभी थ्योरीज बनती हैं और फिर आप निष्कर्ष निकालते हैं, उसमें बुद्धिस्ट अप्रोच क्या है इकोनॉमिक्स की। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ बुद्धिस्ट अप्रोच इसलिए बात करनी पड़ रही है क्योंकि बौद्धों का जो अष्टांग मार्ग है उसमें सम्यक आजीविका, सम्यक कर्म, ये कुछ ऐसी टर्म हैं जो सीधे सीधे मनुष्य के व्यवहार के साथ बुद्धिज्म को जोड़ते हैं, बौद्ध धर्म और दर्शन को जोड़ते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स उससे कुछ बाहर नहीं है, लेकिन उनकी एक अप्रोच बिल्कुल नितांत भिन्न प्रकार की अप्रोच है। तो उस अप्रोच के बारे में आप जैसे कि स्क्रीन के देख ऊपर देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स इज अ स्पिरिचुअल अप्रोच टू इकोनॉमिक्स। इट्स अंडरस्टैंडिंग एम्स टू क्लियर द कंफ्यूजन बिटवीन व्हाट इज ट्रूली हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इन इकोनॉमिक्स एंड अल्टीमेटली ट्राइज टू मेक ह्यूमन बींग्स एथिकली मैच्योर। और ये मेरे एक चिंता का विषय है जिसके ऊपर हम बाद में कमेंट्स भी लेंगे कि क्या इकोनॉमिक्स हमें ये सेंस दे सकती है कि हाउ मच इज रिक्वायर्ड एंड दिस मच इज एनफ। क्या इन दो के बीच में कभी हमें इकोनॉमिक्स इतना सेंसिबल बना सकती है, मनुष्य को इतना संवेदनशील और समझदार बना पाएगी कि कितना अपेक्षित है और इससे अधिक नहीं चाहिए। तो इस तरह के विषयों को ध्यान में रखते हुए, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उनसे मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव जी जो प्रोफेसर एंड हेड हैं पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, पीजी सेंटर एमयू, नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ बिहार में। 34 वर्षों का उनका बड़ा लंबा एक अनुभव है पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग का और उनके कई पीएचडी के स्टूडेंट्स रहे हैं जिनको उन्होंने सुपरवाइज किया है। 15 से अधिक उनकी किताबें पब्लिश हो गई हैं और 4 बुक्स में जब उनका बायोडाटा देख रहा था और उनसे बातचीत भी मेरी जब हुई तो अप्लाइड एथिक्स के ऊपर बुद्धिज्म और कई और इश्यूज
जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं उनको उन्होंने डील किया है, उसके ऊपर उनका बहुत अधिक काम है। 46 रिसर्च पेपर्स जो हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उनके पब्लिश हो चुके हैं। एक यूजीसी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट भी उन्होंने पूरा किया है। इसके अलावा उनको 8 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के वो उनके पास मेंबरशिप है, और कई सारे उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल जो सेमिनार्स हैं उनमें सेशन चेयर किया है, प्रेजेंटेशंस दी हैं, और साथ ही साथ उनकी उपलब्धि जो है वो 6 एकेडमिक अवार्ड्स जो हैं वेरियस अलग अलग प्रकार के विभिन्न एकेडमिक संस्थाओं के द्वारा उनको उनके सम्मान में प्रदान किए गए। ये बड़ा संक्षिप्त सा मैं उनका परिचय आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, हालांकि वो इसके लिए भी मना कर रहे थे, लेकिन फिर हम लोगों ने पद्धतियां ही वैसी विकसित की हैं जहाँ आप जो है वक्ता का परिचय उसकी उपलब्धियों से ही कराते हैं। और जबकि मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि वक्ता का परिचय उसके विचार होते हैं, उसकी प्रस्तुतियां होती हैं, उस पर आश्रित होकर के जब हम वक्ता को जानते और समझते हैं तो वस्तुतः वो उसका सम्मान भी होता है और वही उसकी पहचान भी होती है। डॉक्टर साहब के इस सारे वक्तव्य के बाद जब हम अभी अगले 2-3 मिनट में सुनेंगे, उसके ऊपर विशेष रूप से कमेंट करने के लिए, उसको एवेल्युएट करने के लिए, उसके ऊपर कंक्लूडिंग कमेंट्स देने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सविता जी को, जो कि प्रिंसिपल हैं डीएवी कॉलेज फरीदाबाद से, और उनका विषय भी इकोनॉमिक्स है, और उनकी रुचि को देखते हुए उन्हें विशेष रूप से निवेदन किया कि वो इस सारे वक्तव्य के बाद जब प्रश्न उत्तर हो जाएं तो वो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो हैं वो हमारे साथ साझा करेंगे डॉक्टर सविता जी। इससे पूर्व कि मैं मंच पर आमंत्रित करूं डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव जी को, दो एक बातें आप लोगों के साथ और साझा कर लेता हूँ कि जैसा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुका हूँ, ज्यादा मैं नहीं जा रहा, आप पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सारे विषय आ रहे हैं तो इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा। व्हाट इज बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स बड़ा क्लियरली है कि उसकी रेलेवेंस, क्योंकि राइट लिवलीहुड जो है सम्यक आजीविका, हालांकि राइट शब्द अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन नहीं है सम्यक का, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। हम अंग्रेजी को थोप तो देते हैं अपने भारतीय शब्दावली के ऊपर, लेकिन उनकी जो कॉन्टेक्स्ट है वो कुछ और होता है, और हमारे जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो कृषि आधारित कॉन्टेक्स्ट होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो सावधानी रखनी जरूरी है कि एक सीमा तक हम उनका अनुवाद कर सकते हैं, उसे आगे आपको अपनी भाषा में अपने दृष्टिकोण से उन शब्दों को, उन कॉन्सेप्ट को जानना समझना चाहिए। तो लाइवलीहुड की हम बात कर ही चुके हैं, और स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि मॉडर्न लिबरल इकोनॉमिक्स जो है उसकी अप्रोच क्या है, और बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स की जो है वो क्या है, कि कैसे जो है इट हेल्प्स एनेबल एंड डेवलप वन फैकल्टीज, लेट गो ऑफ ईगो एंड कोऑपरेट एंड क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए बेटर एग्जिस्टेंस, हैप्पियर एग्जिस्टेंस। और दूसरी तरफ जो है वो प्रॉफिट की बातें हैं इकोनॉमिक्स में, कैसे आप कंज्यूमर मार्केट बेस्ड रिसर्च करेंगे, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेच सकते हैं, वो सारे के सारे मार्केट डिजाइन करती है। और ये भी बात आप देखें, मैं मुख्य मुद्दे पे जा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं जा रहा, क्योंकि वो ये सारी बातें डॉक्टर साहब करेंगे और उसके बाद फिर डॉक्टर सविता जी उसके ऊपर जब कमेंट करेंगे। सारे के सारे बुद्धिज्म का जो कोर इशू है वो है मैक्सिमम वेलबींग विद मिनिमम कंजप्शन। जब वो सम्यक अष्टांग मार्ग की बात करते हैं तो वो सारे का सारा इस बात के ऊपर केंद्रित है, और इसी बात को एक बिल्कुल एक रोल मॉडल के तरह जो है भूटान ने इसको अपने देश पे लागू किया है, और जिसको फॉलोअप जो है कई और कंट्रीज भी कर रही हैं। जबकि अभी हम उस पर बात करेंगे तो निश्चित रूप से उन सारे विषयों को भी हम देखेंगे। तो मैक्सिमम वेलबींग विद मिनिमम कंजम्पशन, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम देखने की कोशिश करें कि जब ये कोविड के टाइम में जो क्राइसिस आया है ह्यूमन सोसाइटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और बाकी जितने भी रिलेटेड फील्ड्स हैं, उसको किस रूप में डॉक्टर साहब हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने दो बुक्स, बुद्धिस्ट बुक्स को रेफर किया है, और उसके आधार पर वो हमारे साथ साझा करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस सारे विषय को इस दृष्टि से देखें कि भविष्य में हम कौन सी नई संभावनाओं को खोज सकते हैं, ताकि
फर्दर जो कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं या इस तरह का कोई भी काम जो है उसको हम टेकअप कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव जी को कि वो अपना वक्तव्य जो है वो हमारे साथ साझा करें, और मैं अपनी स्क्रीन जो है वो विड्रॉ करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, प्लीज यू कैरी ऑन विद योर आइडियाज। धन्यवाद। प्रथमतः मैं पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादा तस्य धुर्जटे जाह्नवी फीण लेखे व यणि मूर्धनि शशिनी कला। श्रुतो बुद्ध वचनो यं पाटवं पाली हिंदसु वाचां सर्वत्र वैचित्र्यं नीति दर्शन ददाति च। समस्त सुधिगणों एवं ज्ञान पिपासु प्रतिभागियों को मेरा समवेत नमस्कार। कृतज्ञ हूँ आशुतोष संगेदस जी का, जिन्होंने मुझे इस ज्ञान यज्ञ में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया, तथा उन अनुग्रहित हूँ उन समस्त पूर्ववर्ती वक्ताओं का जिनके आख्यान मेरे इस संभाषण के प्रेरक बने, तथा जिनके प्रदत्त विचारों के आधार पर मैंने आज के आलेख की संरचना की। वस्तुतः बौद्ध नीति शास्त्र के विषय में कुछ बातें कहने के पूर्व यह स्पष्ट कर देना मुझे अपेक्षित प्रतीत होता है कि बौद्ध नीति शास्त्र पूर्णतः अनुप्रयोगिक, इहलौकिक तथा पारमार्थिक परिकल्पनाओं से पूर्णतः मुक्त है। यह भारतीय दार्शनिक परंपरा में अपने कठोरतम व्यवहारिक नैतिक सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध है। यद्यपि यहाँ परंपरिया प्रचलित निर्वाण को अपने परम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है, तथापि इसके प्राप्ति हेतु बुद्ध ने व्यवहारिक नीति निर्देश एवं इहलौकिक व्यवहार पर ही बल दिया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ निर्वाण की परिकल्पना भी इहलौकिक है और अपने मूल सिद्धांतों पर ही आधारित है, अपनी प्राकृतिक अवधारणाओं पर ही अवस्थित है। अनात्मवादी होने के कारण बुद्ध ने समस्त प्रकार के तत्वमीमांसीय एवं धार्मिक परिकल्पनाओं को अपने परम पुरुषार्थ से मुक्त रखने का प्रयास किया है और इसे दुख रहित अवस्था का नाम दिया है। और इन विश्व में व्याप्त दुखों की मुक्ति की युक्ति की ओर अपने दर्शन और नीति शास्त्र को परिचालित करने हेतु इसकी संरचना प्रकृति परक मूल्यों के आधार पर की है, और यही कारण है उनके दर्शन में संसार और निर्वाण साथ चलते हैं। सांसारिक दुखों का उन्मूलन भी इनका उद्देश्य है और दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति ही निर्वाण है। सांसारिक दुखों के अंतर्गत आर्थिक दुख ही सन्निहित हैं। इस कारण ही करुणा जनित आर्थिक समस्याओं के आलोक में बुद्ध नीति शास्त्र का विश्लेषण आज मेरे इस लघु आख्यान का उद्देश्य है। मैंने आशुतोष जी द्वारा प्रेषित एक यक्ष प्रश्न पर आधारित वार्ता को कई बार सुना। वस्तुतः भारतीय ज्ञान परंपरा में चार्वाक को छोड़कर श्रमण एवं ब्राह्मण दोनों परंपराओं में ये यक्ष आ जाया करते हैं, और उनसे कुछ ऐसे गूढ़ प्रश्न पूछते हैं जो हमारी समस्याओं के निराकरण में सहायक होते हैं। भगवान बुद्ध प्रातःकालीन चारिका कर रहे थे और तब एक यक्ष विनीत भाव से उनके समक्ष उपस्थित हुआ और प्रश्न पूछा। अंतो जटा बहि जटा जटाए जटिता प्रजा तंग तंग गोतंग पुच्छा में कुई में विजटे जटन। अर्थात जब संपूर्ण मानव जाति अंदर और बाहर से रोग शोक भय चिंता रूपी जटाओं से ग्रस्त है, हे बुद्ध वह कौन व्यक्ति है जो इन समस्त जटाओं का उच्छेद करने में समर्थ हो सकता है? और प्रत्युत्तर में बुद्ध कहते हैं, शीले पतिथायो नरो सपयो चित्तं पय्यं च भावयन् आतापि निपको भिक्खु सोई में विजिते जटन। अर्थात जब शील सदाचार में प्रतिष्ठित प्रज्ञावान व्यक्ति समाधि भावना करता है तो समाधिस्थ मन में प्रज्ञा या ज्ञान की उत्पत्ति होती है और उसके आलोक में समस्त दुख एवं क्लेश रूपी जटाओं का यानी कर्म बंधनों का उच्छेद कर दुखों से
आत्यंतिक निवृत्ति को प्राप्त कर जग में भी मुदित रहता है। वस्तुतः करोना का वैश्विक प्रकोप समस्त जनमानस त्रस्त है। अनेक मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और किसी उपकरण से कोरोना से उभर भी गए हैं, वे आने वाली आर्थिक मंदी और आर्थिक ध्वंस से उभरने में उन्हें कई वर्ष लग जाएंगे। और यहाँ यक्ष प्रश्न उठता है कि क्या बुद्ध के उपदेश वर्तमान कोरोना संकट और इसके कारण आने वाली वैश्विक औद्योगिक मंदी एवं बेरोजगारी की स्थिति से उभरने में कितनी सहायता प्रदान कर सकती है, और इस विषय पर पूरे विश्व में वेबिनार के माध्यम से समुद्र मंथन चल रहा है और इसके कारण और निवारण पर दार्शनिक, नैतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, चिकित्सीय एवं आर्थिक रूप से गंभीर चिंतन हो रहे हैं। मेरा आलेख बुद्ध के इस विचार पर आधारित है कि परिवर्तनशील विश्व में कुछ भी स्थिर नहीं है, क्षणिक है, लेकिन वास्तविक संकट तो आने वाला है, हेयं दुःखं अनागतम्, और वह है वैश्विक आर्थिक मंदी की, जिसकी आहट सभी राष्ट्रों में सकल घरेलू अपवाद के गिरावट के रूप में दिखाई देने लगी है। कनाडा -33% है तो भारत -24% है। अमेरिका और जापान में यह गिरावट भारत से बहुत अधिक है, लेकिन उद्योग कल कारखानों में ताले लटक गए हैं, उत्पादन ठप्प हो गया है। आर्थिक संकट की इस विभीषिका से मुक्ति की युक्ति का सतत अन्वेषण हो रहा है, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्येताओं के लिए यह उतना दुष्कर नहीं है, अपेक्षा है अपने शास्त्रों के पुनर्पाठ करने की। उनका सम्यक विश्लेषण एवं अनुप्रयोग विश्व को आर्थिक मंदी से बाहर लाने में सहायक सिद्ध होंगे। यहाँ पर सुत्त पिटक के दीर्घ निकाय के दो सूत्रों का विश्लेषण वर्तमान आर्थिक समस्याओं के आलोक में मैं करने का प्रयास करूंगा, और वह है पहला है कूट दंत सूत्र और दूसरा है सिगाल सूत्र, जिसे सिगालो वादो सूत्र भी कहा जाता है। वस्तुतः कूटदंत सूत्र का सीधा संबंध अभी जो अप्रवासी मजदूर हैं, जो कोरोना काल में जो सारे उद्योग धंधे ठप्प पड़ गए और वहां से उन्हें भागकर आना पड़ा, उनसे रिलेटेड है, उनके नियोजन एवं पुनर्वास से है, और साथ ही यह गुड गवर्नेंस का की अपेक्षा है। और यही कारण है कि यह कूटदंत सूत्र वस्तुतः गुड गवर्नेंस की बात करता है, और इसका अगर अनुप्रयोग अक्षरशः हम करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम वर्तमान अप्रवासी मजदूरों से होने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके पूर्व मैं कूटदंत सूत्र का पाठ करूं, आवश्यक है कि थोड़ा प्रकाश हम गुड गवर्नेंस अर्थात सुशासन पर दें। सुशासन शब्द शासन में सु उपसर्ग लगाने के बाद उभरता है और इसका अर्थ है अच्छा शासन। प्रत्येक प्रकार की भ्रष्टाचार एवं लाल फीताशाही से मुक्त शासन, आज के प्रचलित अर्थ में इसका तात्पर्य किसी सामाजिक राजनीतिक इकाई यथा राज्य सरकार, नगर निगम में इसको इस प्रकार चलाना है कि वहां वांछित परिणाम दे सके। साथ ही यह बजट का सही प्रबंधन है, कानून का शासन है, सदाचार, पारदर्शिता आदि का अनुपालन हो, और देश और राज्य के संसाधनों का समुचित प्रबंधन वर्तमान आलेख वर्तमान आख्यान के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रयोग कारपोरेट जगत के सामाजिक दायित्वों का समन्वय है। इसकी 8 विशेषताएं हैं: विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, समानता एवं समावेशन, इक्वलिटी एंड इंक्लूसिवनेस, भागीदारी, पार्टिसिपेशन, बहुमत या मताक्य, कंसेंसस और कंसेंसस ओरिएंटेशन, प्रभावशीलता एवं दक्षता, एफिशिएंसी एवं इफेक्टिवनेस, अनुक्रियता, रिस्पॉन्सिवनेस, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी,
कारण से। और अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि बुद्ध ने किस प्रकार कूटदंत सूत्र में हमें इस प्रकार की समस्याओं से जूझने का उपाय बताया है, और किस प्रकार हम अगर इसका प्रयोग करें तो वर्तमान अनिवासी मजदूरों की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। यह सर्वविदित है कि कोरोना को रोकने में सारे विश्व में लॉकडाउन किया गया। अचानक कल कारखाने, औद्योगिक उपक्रम, यहां तक कि समस्त शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। मिल मालिकों ने वेतन देना बंद कर दिया। लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। उनके पैसे धीरे धीरे समाप्त होने लगे। मकान मालिक किराया न देने के कारण अपने घर से बाहर निकालना शुरू किया, और भारी संख्या में लोगों का मुंबई, दिल्ली, पंजाब आदि स्थानों से पलायन हुआ। साधन के अभाव में लोग हजारों मील दूर पैदल निकल पड़े अपने घर के लिए। कुछ भूख में किसी का निधन हो गया, और कुछ लोग कुछ लोगों का भूख के कारण निधन हो गया, और कुछ लोग आ गए। बाद में गाड़ी की व्यवस्था हुई, वाहनों की व्यवस्था हुई, और ये लोग धीरे धीरे अपने घर की ओर आए। केंद्र सरकार ने भी ट्रेन चला दिए। परिणाम स्वरूप करोड़ों मजदूर अपने अपने घर को लौट गए। अब समस्या थी कि इनका नियोजन कैसे किया जाए। अर्थाभाव में अगर ये लोग अपने राज्य में रहेंगे तो ऐसी अवस्था में सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि ये कुछ न कुछ गलत कार्य करेंगे, चोरी, लूट, इन सारी चीजों को बढ़ावा मिलेगा, और इसीलिए इनके नियोजन की बात कैसे की जा सकती है, इनका क्या उपाय है कि इन्हें एक राइट ट्रैक पर हम लाने का प्रयास करें। और इस दृष्टि से जब हम कूटदंत सूत्र का नाम माने लेते हैं तो वहां पर एक बड़ी अच्छी कथा आई है, और वह कथा है कि एक बार भगवान बुद्ध कहीं गए हुए थे तो पास में एक ब्राह्मण हुआ करते। ब्राह्मण का नाम था कूटदंत। वे बहुत बड़े किसान भी थे, और अपने स्थान के वे लोकल जमींदार किस्म के आदमी थे। ब्राह्मण तो थे ही, और बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भगवान बुद्ध वहां पर आए हुए हैं तो वो चले गए इन सारी समस्याओं की युक्ति पूछने के लिए कि आप बतावे कि मैं कौन सा यज्ञ करूं जिसके कारण हमारी इन समस्त अप्रवासी लोगों की समस्या का निदान हो सके। और तब भगवान बुद्ध ने उन्हें एक कथा सुनाई कि प्राचीन काल में महाविजित नामक एक राजा था, और वह राजा अपने माने देश में शांति के लिए एक यज्ञ करना चाहता था, और राजपुरोहित को बुलाकर कहा कि आप मुझे यज्ञ की विधि बताओ। राजा द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस ब्राह्मण ने कहा कि आपका राज्य अभी नाना प्रकार के विघ्नों से युक्त है, बाधाओं से युक्त है। गांव में लूटपाट, निगमों या नगरों में लूटपाट हो रही है। अतः ऐसी स्थिति में जहाँ ग्राम, जनपद एवं नगरों में लूटपाट हो रही हो, जनता से कर लेना अकृत्य कहलाएगा। उसे टैक्स मत लीजिए। दूसरा, कि अगर आप ये समझते हैं कि इन चोर लुटेरों को मार देंगे, कारागार में डाल देंगे, वह भी अनुचित है, क्योंकि सबों का आप नाश नहीं कर सकते, और बचे लोग फिर से आतंक आरंभ कर देंगे। और इस प्रकार एक यज्ञ का मैं सलाह देता हूं, अगर आप वह यज्ञ करते हैं तो इन सारी चीजों से आप मुक्त हो सकते हैं। और तब वो यज्ञ की विधि उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि आपके यहां जितने अप्रवासी लोग आए हैं या बाहर से लोग आए हैं,
उन्हें कृषि एवं गोरक्षा के लिए बीज दें, व्यापार के लिए पूंजी अनुदान के रूप में दें, जो जो सेवा के लिए आए हैं उन्हें नौकरी दें, उन्हें सम्मानित जीवन बिताने योग्य वेतन दें, और इस प्रकार वे लोग उपकृत होकर अपनी ओर से ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि आपकी या जनता की कोई हानि हो। इससे उनके दिए हुए कर से आपका खजाना भी बढ़ेगा और लोग सुख पूर्वक रहे। और महाविजित ने इसे स्वीकार कर लिया और तदनुकूल कार्य करने से राज्य की जनता में दस्य कील अर्थात लूटपाट की घटना समाप्त हो गई। उनके प्रदत्त करों से उनके यहाँ शांति हुई, धन राज्य कोष बढ़ा और वे अन्य कार्यों में जिस विकास के कार्यों में उसका उपयोग करने लगे। आज भी हमारी कुछ सरकारों ने इसी प्रकार का यज्ञ किया है। केंद्र सरकार ने अपने सीमावर्ती इलाकों में सड़क एवं पुल बनाने हेतु लाखों अप्रवासी मजदूरों को जो महानगरों से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि में लौटे थे उन्हें बुलवाया और अधिक वेतन देकर बॉर्डर पर सड़क निर्माण के कार्य में लगाया। बिहार उत्तर प्रदेश में कमोवेश इसी उपाय कौशल्य का प्रयोग किया गया जो बुद्ध कथा में वर्णित है। वर्षा काल में ये मजदूर कृषि कार्य में नियोजित हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने तो दीपावली तक 8 करोड़ अनियोजित निर्धनों को निःशुल्क राशन वितरण की व्यवस्था की है, और यही कारण है कि इस कोरोना काल में भी विस्थापित जो मजदूर हैं उनमें असंतोष कम है, अराजकता का समाचार नहीं मिल रहा है और किसी माने सारी चीजें व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। अब दूसरी कथा है सिगालो वादो सूत्र की, और यह सिगालो वादो सूत्र शुद्ध रूप से आर्थिक माने नीति शास्त्र है, इसलिए हम इसकी इसका विश्लेषण विशेष रूप से करें। इसके पूर्व मैं एक सिंगाल की एक कहानी सुनाता हूं कि सिंगाल एक सृष्टि का पुत्र था, एक व्यवसायी का पुत्र था। पिता के मरने के उपरांत वह प्रतिदिन राजगीर से बाहर निकलता था और स्नान करके और चारों दिशाओं को वह प्रणाम करता था। बुद्ध ने देखा, उससे पूछा, ऐसा तुम क्यों करते हो? उसने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। उन्हें कहा कि चारों दिशाओं को प्रणाम इस प्रकार नहीं किया जाता है, और उसके साथ जो वार्ता उनकी हुई उससे आर्थिक नीति शास्त्र बाहर निकलता है। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि वस्तुतः व्यवसायिक नीति शास्त्र का अनुप्रयोगिक महत्व है। इसका उद्योग व्यवसायिक पर्यावरण में आचार संबंधी समस्याओं का मूल्यांकन है। व्यवसाय सामाजिक सह आर्थिक कार्य है। सामाजिक इसलिए कि वह समाज के लोगों का उपक्रम है, समाज के लोगों के लिए है, क्योंकि इसके उत्पाद का उपयोग समाज के लोग ही करते हैं और लोगों द्वारा ही संचालित होता है, और कोई भी सामाजिक कार्य नैतिक मूल्यांकन की अपेक्षा रखता है। दूसरी बात यह है कि व्यवसाय व्यक्ति, समाज, प्रकृति और पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। अतः यह एक नैतिक कार्य है, क्योंकि यह स्वचेतन प्राणी द्वारा स्वेच्छा से दबाव रहित स्थिति में संपादित होता है। इस कारण ही इस पर उचित अनुचित अच्छा या बुरा का निर्णय लोग स्वतः देने लगते हैं। अभी हमारे अंगीरस जी ने भी कहा कि यह सामान्य धारणा है कि व्यवसाय और नैतिकता साथ नहीं चल पाती, क्योंकि व्यवसाय का उद्देश्य अधिकतम आय का अर्जन है और वहां नैतिकता की अनदेखी होने लगती है। इससे उत्पाद और उत्पादों का सम्यक वितरण प्रभावित होता है। इस कारण ही व्यावसायिक नीति शास्त्र का उद्देश्य व्यावसायिक कार्यकलापों में और उनसे नैतिक समस्याओं की जो उत्पत्ति होती है इसका समीक्षा करना है। इसके अंतर्गत कारपोरेट जगत का सामाजिक दायित्व भी समाहित है। इसके माध्यम से व्यावसायिक संस्थाएं जनहित में अपने कार्य संचालित करती हैं। अतः वह ग्राहकों, कर्मचारियों, अंशधारक व्यक्तियों, सामाजिक, प्रकृति के एवं भौतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले समस्त प्रभावों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं।
ऐसी अवस्था में व्यावसायिक कार्यकलापों के निषेधवादी जो परिणाम होते हैं उसका विधि सम्मत भरपाई का निर्वहन भी उस व्यवसायी को ही करना पड़ता है। बुद्ध ने सदा व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार को व्यवहार पर मूल्यों को समाहित करने का प्रयास किया है। वर्तमान युगीन व्यवसाय जगत में अब मूल्यों यथा मिथ्यात्व, उत्कोच, छल, बेईमानी आदि मूल्य का रूप ग्रहण कर चुके हैं। इसके आधार पर ही अधिक मुनाफे की परिकल्पना की जा रही है जो सर्वथा अनुचित है। वस्तुतः व्यवसायिक परिदृश्य में नैतिक मूल्यों का दूरगामी लाभ भी है। मूल्य परक कार्य सांस्कृतिक प्रबंधन एवं श्रमिकों की कार्यकुशलता तथा औद्योगिक एवं व्यापारिक उपक्रम को सफल प्रदर्शन के कारक हैं। इस कारण ही बुद्ध ने अपने सामान्य जीवन में सद्गुणों के अनुपालन करने की बात कही है। व्यवसाय में प्रबंधन और श्रमिक दोनों ही अंतर्निहित हैं, अतः उनमें अधिकतम समन्वयात्मक सहयोग अपेक्षित है और तभी व्यवसाय के लक्ष्य यानी अधिकतम प्रतिफलन संभव है। इस कारण बुद्ध किसी भी उपक्रम में ऐसे व्यक्तियों का सहयोग या संलिप्तता नहीं स्वीकार करते, उनसे मित्रता का भी परामर्श नहीं देते जिनके आचरण कलुषित हैं। साथ ही वे सज्जन व्यक्तियों के गुणों की भी चर्चा करते हैं जिनके चयन किसी भी प्रकार के व्यवसाय या उद्योग में श्रमिक, सहायक या सहकर्मी के रूप में किया जा सके। बुद्ध कहते हैं चार प्रकार के लोगों को सुहृद समझना चाहिए, जो उपकारी हैं, दुख में समान व्यवहार करने वाला हो, अर्थार्जन का निष्कलुष उपाय बतावे तथा निरंतर अनुकंपा रखने वाला। यहाँ तथागत ऐसे व्यक्तियों की गुणों की विशद विवेचना करते हैं जो व्यवसायिक अर्थशास्त्र की दृष्टि से किसी भी औद्योगिक उपक्रम में सहभागी बनने की योग्यता रखते हैं। साथ ही वे कलुषित व्यक्ति के दुर्गुणों की भी विवेचना करते हैं जिन्हें किसी भी दृष्टि से व्यवसाय या उद्योग धंधे में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ये दुर्गुण हैं धूर्तता, मद्यकारकता, मद्य पिपासु, कृतघ्न, ठग या साहसिक अपराध वृत्ति का व्यक्ति हो। इन्हें तथागत ने पाप मित्र की संज्ञा दी है और किसी भी स्थिति में इनसे मित्रता, सहयोग या सेवक नहीं बनाने का निर्देश दिया। पुनः उन्होंने छह प्रकार के व्यक्तियों से दूर रहने की सलाह दी है, जो जुआ खेलते हों, प्रमादी हों, ऋणग्रस्त हों और यह सोचकर काम नहीं करते हों कि आज बहुत सर्दी है तो आज बहुत गर्मी है, अभी बहुत सवेरा है तो अभी बहुत शाम है, अब घर चलें, मैं बहुत भूखा हूँ, बाद में कार्य करूँगा। और इस प्रकार ऐसे व्यक्ति जब कार्य करते हैं तो उनके तत्कालीन करणीय कर्मों के न करने से सुख भोग उत्पन्न भी नहीं होते, और अगर उत्पन्न हो भी गए हैं तो उनका लाभ भी आलस्य के कारण क्षीण हो जाता है। हितोपदेश में भी ये छह प्रकार की व्यक्तियों की चर्चा की गई है। षड दोषा पुरुषे नेह हातव्या भूति मिक्षता निंद्रा तंद्रा भयंक्रोध आलस्य दुर्विसूत्रता। और दूसरा है नियोक्ता और नियोजक के बीच में संबंध, क्योंकि जब तक नियोक्ता और नियोजक के बीच में सम्यक संबंध नहीं होगा तब तक कोई किसी भी प्रकार का उपक्रम सुगमता से परिचालित नहीं हो सकता। व्यवसाय या उद्योग बड़ा हो या छोटा सामान्य उद्देश्य की ओर गतिमान होता है, अतः इसमें संलग्न व्यक्तियों के मध्य सामंजस्य अपेक्षित है और तभी उनके समन्वयात्मक सहयोग का संपूर्ण सदुपयोग संभव है। तभी व्यवसाय के संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, अतः इसमें संलग्न मजदूर, कर्मचारी, मिल मालिक या उद्योग के अंशधारकों को मध्य मित्रवत, सौहार्द एवं अनुकूल संबंध आवश्यक है। इस प्रकार के संबंध व्यावसायिक पर्यावरण के को अनुकूलित रखते हैं। बुद्ध ने व्यापारी पुत्र सिगाल को बताया कि मित्र, सहयोगी एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए मिल मालिक या प्रबंधन का व्यक्तिगत व्यवहार कैसा होना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति व्यवसाय के सामान्य उद्देश्य अधिकतम लाभ की प्राप्ति हेतु मिलकर काम कर सके। मात्र अपने लाभ को ध्यान में रखने पर प्रबंधन सामान्यतः यह भूल जाता है कि अच्छे मजदूर, कर्मचारी या सहयोगी
किसी भी व्यवसाय या उद्योग के आधार स्तंभ हैं। कर्मचारी या श्रमिक किसी भी व्यवसायिक उपक्रम के पंख होते हैं, अतः उनके भौतिक या भावनात्मक सभी प्रकार के सुविधाओं का ध्यान रखना प्रत्येक नियोजक का कर्तव्य है। वे किसी भी व्यवसाय या मिल या उद्योग के प्राथमिक और प्रमुख अवयव हैं। ऐसी अवस्था में उनके स्वास्थ्य, व्यवसायिक सुरक्षा के साथ साथ योग्यता अनुकूल प्रोत्साहन भी आवश्यक है। इन सबों पर सम्यक ध्यान देना नियोजक का दायित्व है। इससे उनका उत्साह, कार्य कुशलता एवं मनोबल बढ़ता है और उत्पादन तथा लाभ त्रिगुणक हो जाता है। इस कारण ही बुद्ध ने सिगाल को कहा है कि इस प्रकार कि लोगों के प्रति आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसका सम्यक विवेचन हमें सिगालोवाद सूत्र में दृष्टिगत होता है। उन्होंने कहा है कि इन सारे मित्रों को अपना सुहृद समझना चाहिए और उनका यथोचित सम्मान करना चाहिए। अगर उम्र में बड़े हों तो माता पिता या अग्रज या अग्रजावत सम्मान करें। अगर उम्र में कम हो तो पुत्र, पित्री या छोटे भाई की तरह व्यवहार करें और समवयस्क हों तो मित्रवत व्यवहार करें। एति पि मित चत्तारो इति विन्याय पंडितो सकच्चं परिरूपे सेय माता पुत्रं वा ओरसि। मनुष्य एक मनोदैहिक प्राणी है। उसकी भावनाओं, अनुभूतियों, शारीरिक आवश्यकताओं, कार्य कुशलताओं का सम्यक ध्यान रखना किसी भी मिल मालिक के लिए आवश्यक। प्रतिकूल वातावरण में उनका उपाय कौशल्य, उनकी दक्षता, उनकी विशेषज्ञता प्रभावित होने लगती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव एवं स्वास्थ्य विकसनशील उद्योग के उपक्रम को एक सिक यूनिट में परिणत कर देता है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में सिगाल को बुद्ध के उपदेशित व्यवसायिक नैतिक सूत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है व्यवसायिक संगठनों का समाज के प्रति आपदा प्रबंधन, समाज के प्रति दायित्व एवं आपदा प्रबंधन। वर्तमान औद्योगिकरण की तीव्रता एवं विस्तार ने समाज एवं प्रकृति, पर्यावरण के रूप रंग में आमूलचूल परिवर्तन किए। भौगोलिक स्तर पर उसकी टोपोग्राफी बदल दी है। प्रकृति के क्षेत्र में जंगल काट दिए गए हैं, वहां के उद्योग कारखाने लगा दिए गए हैं और वहां पर लोगों को अपने मूल स्थानों से उखाड़कर दूसरे जगह पर बसाया गया। स्थान से जुड़ी हुई भावनाओं को का टूटकर बिखर जाना असंतोष को जन्म देता है, क्योंकि विस्थापितों को दूसरे स्थान पर बसाकर उनके आर्थिक नुकसान की भरपाई से उनके अंदर के अलगाव के दंश को तिरोहित नहीं किया जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि कारपोरेट जगत सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ करें जो उनके भौतिक विस्थापन के दर्द, भावनात्मक अलगाव के घाव को भर सके और उन पर मलहम लगाने का काम कर सके। और इसके लिए आर्थिक वेलबींग को कार्यक्रम को आसपास के लोगों के लिए भी चलाना चाहिए। वर्तमान मानव निर्मित या प्राकृतिक वैश्विक आपदा COVID-19 के काल में या अन्य संकट की अवस्था में कारपोरेट जगत का यह दायित्व है कि वह सरकार की सहायता करे। कभी कभी घनघोर मंदी काल में उद्योग दिवालिया होने के कगार पर आ जाते हैं, बाजार में उन्हें अत्यधिक घाटा भी होता है। इन दोनों स्थितियों में व्यावसायिक संगठनों का यह नैतिक दायित्व है कि वे स्थिर होकर देश, सरकार, अपने अंशधारित एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें। सामान्य स्थिति में अपने आय कोष का आवंटन इस प्रकार करें कि आपात की स्थिति में संगठन, समाज, कर्मचारी और परिवार विचलित न हो, अपितु उनका सामना और समाधान करने में समर्थ हो। इस कारण ही बुद्ध ने सिगाल को आपदा प्रबंधन के सूत्र दिए हैं, जो वर्तमान पोस्ट कोरोना काल के जो आर्थिक मंदी से उबरने में सहायक हो सकता है। वे कहते हैं भोगे संहर मानस भ्रमरस्येव इरीयतु भोगा सन्निश्चयं यन्ति वम्मिको उपचीयतु एवं भोगे समाहत्वा अलमत्तो कुले गृही चतुधा द्विविधे भोगे वे भित्तानि गंथति
एकेना भोगे भुञ्जेय द्विहि कम्मं पयोजसे चतुर्थं निहापेयसी आपदासु विवस्यते। उपरोक्त गाथा के दो भाग हैं। पहले में यह स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का क्षति पहुंचाए बिना हमें उत्पादन एवं व्यवसाय करना चाहिए, और इसकी उपमा वे देते हैं मधुमक्खी की। जिस प्रकार मधुमक्खी मधु का उत्पादन करती है, फूलों से, परागों से, और उसकी कोई क्षति उन्हें नहीं पहुंचाती, उससे सारा लाभ ले लेती है, उसका सारा जो है कोलोन चूस लेती है, लेकिन फिर भी हमारा फूल अपनी प्राकृतिक अवस्था में पड़ा रहता है। उसी प्रकार अगर हम प्रकृति का दोहन अपने उत्पादन के लिए इस प्रकार करें कि हम उनमें क्षति ना पहुंचा पाए, और क्षति हम कब पहुंचाते हैं, जब हम नीड के स्थान पर ग्रीड का पोषण करना शुरू करते हैं। नेचर इज कैपेबल टू फीड द नीड ऑफ ए मैन, बट इट इज नॉट कैपेबल टू फीड द ग्रीड ऑफ ए मैन। और इसीलिए बुद्ध स्पष्ट कहते हैं कि चाहे वह व्यक्ति हो या कोई व्यवसायिक उपक्रम, हमें प्रकृति का दोहन उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार एक मधुमक्खी प्रकृति का दोहन तो करती है, पुष्पों से मधु तो निकाल लेती है, लेकिन वह क्षति रहित स्थिति में पड़ी रहती है। और दूसरी बात, हमें उसका उपभोग भी उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार जो वाल्मीकि रूपी जो कीड़ा है वो चीजों को खाता है, लेकिन उसे वो क्षति नहीं पहुंचाता है, वो सारा का सारा चीज संचित रह जाता है और वो मृतिका में परिणत हो जाता है। इससे केचुए कीड़े खा लेते हैं, और उसके बाद जो खेतों में वो अपना माने उत्सर्ग करते हैं, वो खेतों को और जो है अल्यूवियल बना देते हैं। तो इस प्रकार बुद्ध का कहना है कि या तो आप उद्योग करते हैं तो पर्यावरण को क्षति ना पहुंचावें, और अगर उसका उपभोग करते हैं वह भी अगर पर्यावरण को क्षति न पहुंचावे तो इससे एक अच्छी स्थिति नहीं रह सकती। तो इस प्रकार उसका पहला भाग, किस प्रकार हमें प्रकृति का उपभोग करना है, प्रकृति का दोहन हम किस प्रकार करें कि प्रकृति हमारे ऊपर सुनामी अर्थक्वेक टाइप की चीजें ना लावें, क्योंकि ये जब ज्यादा हम दोहन करने लगते हैं तभी ये सारी चीजें घटित होती है। आज का कोरोना का संकट भी हम प्रकृति के उपादानों का, निर्जीव जीवों का इस प्रकार हम अंधाधुंध शोषण करने लगे कि हमारे साथ एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई और एक नई महामारी हमारे साथ आ गई। और इसका दूसरा भाग है कि क्राइसिस मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज दिस क्रिटिकल सिचुएशन इफ एट ऑल इट अराइजेस इन दिस वर्ल्ड, इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। वे बुद्ध सिगाल को बताते हैं कि गृहस्थ और व्यवसायी दोनों को ही अपने आय में से आय को चार भागों में बांट देना चाहिए। एक भाग का उपभोग अपने दैनिक कार्यों में करें, दो भाग का उपयोग अपने घर के कार्यों में करें, और चौथे भाग का उपयोग संकट काल में उपयोग के लिए सुरक्षित रखें। कोरोना काल में जब मजदूर बेरोजगार हो वर्षों तक हो गए, तो वर्षों से संरक्षित वह आपातकालीन कोष अगर उन्होंने जमा किया हुआ होता एक भाग, तो एक सुदीर्घ काल खंड तक, वर्षों तक उनके भविष्य के काम में आता और उनका आर्थिक संतुलन बिगड़ता नहीं। अगर मिल मालिक भी ऐसी व्यवस्था करते क्राइसिस मैनेजमेंट की, तो कुछ तो नहीं, लेकिन अपने जितने कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको लॉकडाउन के कार्यकाल में भी आधा वेतन तो दे ही सकते थे, जिससे कि उनके पलायन की स्थिति उत्पन्न न होती और लॉकडाउन टूटते ही उन्हें तुरंत जो है वर्कर्स मिल जाते, जिससे कि उनका उत्पादन ठप नहीं।
और इस प्रकार हम पाते हैं कि तब हमारे जीडीपी का इतना लॉस नहीं होता, अगर हुआ भी है तो उसकी भरपाई हो जाती। और मैं समझता हूँ कि मूल रूप से यही बुद्ध का आर्थिक नीति शास्त्र है, व्यवसायिक नीति शास्त्र है, जो हमने सिगालोवाद सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। इन्हीं शब्दों के साथ सृष्टि की समस्त चेतना को वंदन, अभिनंदन और नमन। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने तो वाकई वो बातें प्रस्तुत कर दी हैं जिनकी मुझे बड़ी देर से तलाश थी, और निश्चित रूप से मेरे उत्साह का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेरी उत्सुकता इस वक्त यही है कि किस तरह इस इन अन्य कथाओं को लेकर के भी, अभी तो आपने तीन कथाओं का ही रेफरेंस दिया है, और इन कथाओं के आधार पर किस तरह हम एक प्रश्नावली या एक क्वेश्चनर डेवलप करें वैल्यूएशन के लिए, और उसके आधार पर फिर हम एक सिस्टम पूरा एक क्वेश्चनर को एवेल्युएट करवा करके उसके बाद उसमें जो डाटा हमारे पास आए उसके आधार पर कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो हम डिज़ाइन करें और सजेस्ट करें। ये बहुत रेलिवेंट बातें हैं, और मुझे लगता है कि आज की जो इकोनॉमिक्स बेलगाम घोड़े की तरह चल रही है और जिसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं आज के दिन में, वो उसको एक सेंस देने में बहुत सफल हो सकता है ये बुद्धिज्म। और जब मैं आपकी ये सारी बातें रेफरेंसेस सुन रहा था तो साथ साथ मुझे ध्यान आ रहे थे कि महाभारत के वो रेफरेंस वहां से भीष्म पितामह जब उसको कह रहे हैं, और साथ ही साथ रामायण का स्वामी सर्ग में जब राम जो हैं वो भरत को आगाह कर रहे हैं, और मतलब साथ साथ मेरी कई सारी चीजें ध्यान में आ रही थी, भारवी का किरात अर्जुनियम, और ये जो बातें आप कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ये जो कथाएं आपने सुनाई हैं इनका जो मूल है, अगर मैं इसको भारवी के किरात अर्जुनियम के साथ कंपेयर करूं तो आप देखेंगे पॉलिसी डिजाइन करना और इन सब बातों का ध्यान रखना इकोनॉमिक्स में गवर्नेंस करते हुए और सारी सोसाइटी को चलाते हुए, ये बहुत एक सामने हमारे सामने आता है। तो मेरे मन में इस बात का उत्साह जाग रहा है कि बुद्धिज्म और इकोनॉमिक्स और तीसरी तरफ ये जो संस्कृत के कुछ एक शास्त्र हैं जिनका मैं रेफर कर रहा हूँ, अगर इन तीनों को मिलाकर के हम कुछ काम कर सकें और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क इसके लिए डिजाइन कर सकें, तो मुझे लगता है कि ये वस्तुतः एक नई कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती है और इकोनॉमिक्स को एक नई दिशा दी जा सकती है। अन्यथा फिर वही प्रॉब्लम्स आएंगी, जो जब मैं पढ़ रहा था इकोनॉमिक्स की कुछ बातें तो उसमें तीन तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस की वो बात करते हैं बुक में, एक तो है प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शंस, दूसरी है मूविंग कॉन्ट्रडिक्शंस, और तीसरी है डेंजरस कॉन्ट्रडिक्शंस। और इस वक्त जो दुनिया चल रही है वो थर्ड जो डेंजरस कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनके आधार पे चल रही है, मैं उनकी व्याख्या में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इस तरह के प्रयोग करने बहुत जरूरी हैं। एक बुक मैं जरूर रेफर करूंगा कि अर्थ इज फ्लैट, ये टाइम जो मैगजीन है उसके जो इकोनॉमिक सेक्शन के जो एडिटर रहे हैं उन्होंने कोशिश की है इस तरह की सारी बातों को डिस्कस करने की, और मुझे लगता है कि बहुत सारी संभावनाओं को आज आपने जन्म दिया है। मैं सचमुच आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि इस सारे विषय को हम एक बार फिर व्यक्तिगत स्तर पर बैठ करके इसकी चर्चा करके और इसको क्वेश्चनर में डिजाइन और डिवेल्प करें, क्योंकि उसके बगैर जो है वो कहानी जो है लोगों के जहन में नहीं उतरेगी। कहानी बहुत आवश्यक है लेकिन उसका क्वेश्चनर के फॉर्म में अगर हम उसको कर लें, इवेल्युएशन मेथड डिजाइन डेवलप कर लें, तो मुझे लगता है कि शायद हम इकोनॉमिक्स के लोगों के साथ एक बेहतर डायलॉग जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे उनके साथ एक डायलॉग हम डेवलप कर पाएंगे। तो और ज्यादा बातें ना करते हुए मैं चाहूंगा कि आप लोगों की जो टिप्पणियां हैं, कमेंट्स हैं, अगर कोई जिज्ञासाएं हैं, और डॉक्टर साहब को मुझे लगता है कि जो लोग कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा एनलाइटनिंग, इट वाज अ वेरी एनलाइटनिंग टॉक बाय हिम, और बड़ी मेहनत से ये तैयार किया हुआ था, क्योंकि जातक कथाएं मैंने भी पढ़ी हैं लेकिन उसमें सत्य के प्रयोग को ध्यान में रख करके ही मैंने देखी हैं,
लेकिन ये अप्लाइड एथिक्स का जो आपने एक तरीका दिखाया है आज, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट, बट कमेंट मोस्ट वेलकम. यस सर, डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी. जी सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब. अनम्यूट नहीं हुआ क्या मैं? नहीं नहीं अब आ रही है. जी जी बोलिए. आ रही है. अच्छा जी. तो सर आज का ना मेरे सामने इस समय आज का टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन है, अखबार है, उसमें ना स्पीकिंग ट्री से कॉलम आता है जिसमें MN कुंडू जी का एक राइटअप है, एवरीथिंग इज ए प्रोजेक्शन ऑफ द कॉस्मिक माइंड. अब उसमें उन्होंने महात्मा बुद्ध को कोट किया है, मैं उसको ही कोट कर रहा हूँ. सर द बुद्ध माइंडफुल अवेयरनेस टू बी ए नॉन रिएक्टिव विटनेस एंड कल्टिवेशन ऑफ मैत्री भावना टुवर्ड्स ऑल फॉर कंटिन्यूअस माइंड कंट्रोल. ये उन्होंने कोट किया है. और मैं ये समझता हूँ जो प्रोफेसर साहब ने कहा सारी बातें उससे जुड़ी हुई हैं. ये जो कोरोना काल हुआ, कोरोना का जो समाधान है जो महात्मा बुद्ध ने शब्द प्रयोग किया था करुणा, कोरोना का समाधान सर करुणा भाव में ही है. और जो आपने शुरुआत में कहा था ना हैप्पीनेस इंडेक्स, वो यही है कि जो हैप्पीनेस क्या है, आज स्थिति क्या है. सर मैं ये समझता हूँ कि जो वर्तमान हमारा आर्थिक परिदृश्य है वो बौद्ध दर्शन के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि आज का जो हम प्रोग्रेस या जिसकी बात करें वो बाजारवाद है, कि जिसमें हम जो नहीं चाहिए हमें उन चीजों की जबकि होना के जेरे जाति पर था या जो पूंजीपति था, यदि वो इनके प्रति करुणा भाव रखता और उस समय बौद्ध धर्म के अनुसार बात करता या व्यवहार करता तो ये समझते. जी कि हमने बौद्ध धर्म या अन्य शास्त्र कोई भी हो सकता है, मैं इस मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, कि हम इनके बारे में मूल्यों की तो बात हमने समाज में कहीं की नहीं है, शिक्षा में भी नहीं की है. और सर एक व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, शायद कटु सत्य है कि हम शिक्षक भी इस पाश्चात्य बाजारवाद के शिकार ही नहीं हो गए हैं, बल्कि उसके प्रमोटर बन गए हैं. क्या हम एक शिक्षक होने के नाते जिन मूल्यों की हम वेबिनार में बात करते हैं, यदि हम अपने जीवन में कुछ उनको लागू कर लें, तब मैं समझता हूं कि हम इसका उपाय ढूंढ सकते थे. जी सर. जी बात ठीक भी है, कुछ हद तक आप ठीक कह रहे हैं. दार्शनिक ढंग से भी उन्होंने अपनी बात कही तो उनको मेरी ओर से विशेष आभार. सर आपने बड़ी अच्छी बात कही है. पूरे बौद्ध धर्म दर्शन और उसके आचार संहिताओं का एकमात्र आधार है करुणा, मुदिता, मैत्री और उपेक्षा. और दूसरी जो बात बुद्ध कहते हैं वो आत्मोपम्य की भावना से करते हैं. ये करुणा तभी उत्पन्न होगी जब दूसरों को अपनी तरह देखने का प्रयास करें. और अन्य स्थलों में तो जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में कहा जाता है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तुष्यति, और इस प्रकार हम सभी बराबर हैं और सब में ये हैं. बुद्ध उसको दूसरे ढंग से कहते हैं, वो आत्मपम्य भावना को उपस्थापित करने के लिए कहते हैं, सब्बे तसंति दंडस्स सब्बे भायन्ति मच्छुनो अत्तानं उपमंकत्वानाहने येन घादये. सभी दंड से भय खाते हैं, सभी मरने से डरते हैं, इसीलिए अपने भय को दूसरे के ऊपर भी आरोपित करके देखो, तब न तो तुम किसी की हानि पहुंचाओगे न किसी को जो है तुम तंग करोगे. और अगर इसको व्यवहारिक व्यवसायिक नीति शास्त्र की ओर से हम देखते हैं तो अगर हम अगर कोई अकुशल कार्य करते हैं जिसका प्रतिकूल परिणाम समाज या व्यक्ति पर पड़ता है, तो सबसे पहले हम उसे अपने ऊपर देखें. कांट ने भी यही कहा है कि फर्स्ट सी कि वेदर योर प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल और नॉट. तो ये इसे इहलौकिक दृष्टि से उपस्थापित करने का प्रयास किया है, क्योंकि इसमें
तत्व मीमांसकीय बातों पर चर्चा नहीं है, उसे बिल्कुल निराकरित कर दिया है, इहलौकिक है, पारलौकिक बातों को नहीं स्वीकारते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने उन सारे मूल्यों को उपस्थापित करने का इहलौकिक मार्ग अपनाया है। बाकी तो बातें सर आपने बिल्कुल सही की कि करुणा, मुदिता, मैत्री और उपेक्षा, अगर इन तीनों को मतलब चारों को साथ में लेकर कहते हैं, इसे ब्रह्मविहार की संज्ञा दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि कोई असुविधाजनक स्थिति व्यवसाय जगत में भी घटित है। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब, और मुझे ये लगता है कि अब हमारे पास एक मौका है नई एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है, वो इसी तरह की सारी वैल्यू सिस्टम को आधार बना करके वो शिक्षा को संचालित करने के लिए कह रही है। लेकिन अब ये हमारे पे निर्भर करता है कि हम अपने आप को किस बात के लिए कितना तैयार कर पाते हैं, या फिर वही है कि 5.5 घंटे पूरे कर लिए और निकल गए, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। तो मुझे लगता है कि अब ये मौका है कि इस तरह की इंटरडिसिप्लिनरी डायलॉग डेवलप करने की, नए तरीके से अपने अपने विषयों को परिभाषित करने की, ये पूरा एक सिस्टम किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपना उत्साह दिखाना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सारी बातें विकसित हो सकती हैं। और निश्चित रूप से मैं तो प्रभावित हूँ और मैं आपसे चर्चा भी करूँगा और इन विषयों को थोड़ा सा और अभी विकसित करने का मेरा विचार बन गया है। निश्चित रूप से एक लेक्चर और इस चीज़ के ऊपर ज़रूर करेंगे, और बल्कि उसको GNHI और GTP वर्सेस GTP को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगा कि आप उस पर काम करें, तो मैं आपके साथ उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करूँगा। और किसी का कोई कमेंट है या कोई आप अपनी बात रखना चाहता हो तो अपना वक्तव्य आप संक्षेप में रख सकते हैं, और नहीं तो उसके बाद मैं मैडम प्रिंसिपल डॉक्टर सविता भगत जी को आमंत्रित करूंगा इस सारी बातचीत को कंक्लूड करने के लिए, इसके ऊपर अपने क्रिटिकल कमेंट्स देने के लिए। क्रिटिकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो स्वयं इकोनॉमिक्स से हैं, और क्रिटिकल का ये मतलब नहीं होता जैसा लोग समझ लेते हैं कि कोई निंदा के अर्थ में नहीं है, क्रिटिकल है आलोचनात्मक मूल्यांकन कि क्या ये संभावना हो सकती है कि कहीं हम भविष्य में इकोनॉमिक्स, बुद्धिज्म, इनको मिलाकर के कोई नई पॉलिसी अपने भारतीय संदर्भों में हम प्रस्तुत कर सकें। और हो सकता है कि ये जो इंटरनेशनल क्राइसिस हर वक्त आते हैं, कभी 2001 में आ गया क्राइसिस और कभी उसके बाद फिर आ गया और फिर हमें पता ही नहीं लगता है कि हो क्या रहा है, तो नए सिरे से अगर हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो उन संभावनाओं को तलाश करना जो है वो क्रिटिकल इवैल्यूएशन होती है। तो मुझे लगता है कि अभी हमारे पास कोई और कमेंट्स नहीं है, तो मैं मैडम प्रिंसिपल डॉक्टर सविता भगत जी से निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस सारे विषय के ऊपर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। मैम प्लीज। मैम प्लीज आप अनम्यूट करें, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम। जी सर, सबसे पहले तो मैं मुबारक देना चाहूंगी SD कॉलेज अंबाला और जो सेंटर रिसर्च सेंटर है पंचकुला, जिन्होंने बहुत अच्छा ये आज प्रयास किया। मैं संस्कृत को बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए नहीं जैसा शुरू में ही कन्वीनर साहब ने कहा कि लैंग्वेज की बात नहीं है, इसके साथ जुड़ी हुई एक विचारधारा है, वे ऑफ लाइफ है, लिटरेचर है इसके साथ जुड़ा हुआ, और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को संस्कृत बहुत अच्छे से दर्शाती है, दिखाती है, गूढ़ रहस्य जीवन के हमें संस्कृत से पता चलते हैं। मैं कई बार महसूस करती हूँ कि मैं संस्कृत नहीं समझ पाई, लेकिन आजकल फॉर्चुनेटली ट्रांसलेशंस मिल जाती हैं, तो मैं प्रयास करती हूँ उसको जानने का। संस्कृत में जब मैं ये 3 छोटे छोटे श्लोक ही पढ़ती हूँ और बच्चों के साथ हमेशा साझा करती हूँ, 33-34 साल से मैं टीचिंग में हूँ, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जब हम पढ़ाई के एरिया में आ ही गए टीचिंग में, तो हमें सबसे पहले तो इस तमस को भी जानना है, तमस से हम परमात्मा से कह रहे हैं कि हमें ज्योति की तरफ ले जाइए। तो आज का ये सारा व्याख्यान हमारा कि कैसे इकोनॉमिक्स जो है वो डिसिमल साइंस, शुरू से ही कहा था किसी क्रिटिक्स ने कि जब एडम स्मिथ, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं,
उन्होंने कहा कि वेल्थ ऑफ नेशंस की बात की कि धन कैसे कमाया जाए और कंट्रीज कैसे रिच बन जाए, तो किसी ने कहा ये तो बड़ी ब्रेड एंड बटर साइंस हो गई और डिसमल साइंस है, कुबेर की पूजा सिखा रही है साइंस। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए और फिर हम जिंदगी में, मेरा अध्यात्म की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट है, मैं गुरबानी से बहुत जुड़ी हुई हूँ और चाहे वो संस्कृत में हो या गीता के श्लोक देख लें या गुरबानी के देख लें, बात सबको पता है कि रास्ते अलग हो सकते हैं, बात सबकी एक ही निकलती है, अस्तो माँ सदगम में। तो जो हमारा लाइफ में सच क्या है और झूठ क्या है, हमारी जो मटीरियल वर्ल्ड है और जिसके पीछे हम भाग दौड़ कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में और बिजनेस में, वो कहाँ खड़े हैं और असल सच कहाँ पे है, प्रत्यक्ष से परोक्ष की तरफ मैं जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं बच्चों से बात करना चाहती हूँ। तो इकोनॉमिक्स तो मेरा विषय है ही जिससे मेरी रोजी रोटी जुड़ी है, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स के बेसिक जब भी फर्स्ट ईयर को पढ़ाना शुरू करती हूँ तो मैं उनके साथ ज़रूर ये बात करती हूँ। इकोनॉमिक्स की सर स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि जो मीन्स हैं, जो साधन हैं वो लिमिटेड हैं और जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और हमें सोल्यूशन ढूंढना है इकोनॉमिक्स के द्वारा। तो मैं उनको कहती हूँ थ्योरी गलत है, वी हैव टू टर्न इट अपसाइड डाउन, हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा। हमें अपनी वॉन्ट्स जब हम अनलिमिटेड रख के चलेंगे तो इकोनॉमिक्स हमें कभी सोल्यूशन नहीं दे सकती है। जब हम अपनी वॉन्ट्स को नीड्स में कन्वर्ट करेंगे, और नीड्स हमें पता होनी चाहिए, नीड्स एंड वॉन्ट्स के बीच में भी डिफरेंस है, वॉन्ट्स हमारी कभी ख़त्म नहीं होती है। मैंने कहीं पढ़ा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, नीड्स तो सर बॉडी से रिलेटेड हैं, फूड क्लोथिंग शेल्टर हमें चाहिए और डिसेंट लिविंग के लिए हमें एजुकेशन भी चाहिए, ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, ह्यूमन बीइंग अपने आप को समझने के लिए, अपनी मेंटल फैकल्टीज डेवलप करने के लिए हमें एजुकेशन चाहिए और हेल्थ चाहिए। ये पांच चीज़ों को मैं कहती हूँ ये बायोलॉजिकली एक्टिवेटेड डिज़ायर्स हैं या नीड्स हैं हमारी बायोलॉजिकली, इनको हम बैड कहते हैं। तो हमें फूड क्लोथिंग शेल्टर एजुकेशन एंड हेल्थ चाहिए, लेकिन मुझे अब मोबाइल चाहिए, मुझे अब गाड़ी चाहिए, मुझे अब बड़ा घर चाहिए, मुझे अब प्रॉफिट्स चाहिए, मुझे अब बैंक बैलेंस बहुत बड़ा चाहिए और मुझे सक्सेस में नंबर वन चाहिए, ये है सैड। सोशली एक्टिवेटेड डिज़ायर्स, समाज को हम देख के एक दूसरे को अपनी डिज़ायर्स और नीड्स का दायरा और वांट्स के दायरे में चले जाते हैं और बढ़ाते चले जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स वाकई ही, इकोनॉमिक्स हैज़ फेल्ड अस, इकोनॉमिक्स एज ए डिसिप्लिन जो बनाया गया, जो उसके लॉज हैं, जो थ्योरीज हैं, शुरू से ही हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में एक मार्केट इकॉनमी काम करती है और एक इनविजिबल हैंड है। ऐसा जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर आप अपने लिए अच्छा करेंगे, एवरी इंडिविजुअल इज गाइडेड बाय हिज और हर सेल्फ इंटरेस्ट, तो अगर आप अच्छा करेंगे अपने लिए और ए भी अच्छा करेगा, बी भी अच्छा करेगा और सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट से गाइडेड होंगे, तो अल्टीमेटली द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी विल ऑल्सो बी मैक्सिमाइज्ड। मतलब हर बंदा अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, मैक्सिमाइज करेगा, तो समाज का इंटरेस्ट अपने आप पूरा हो जाएगा। बट दिस अजम्पशन एंड दिस रैशनैलिटी, ये आई मीन अल्टीमेटली हम देख रहे हैं जिंदगी में ट्रू नहीं हो रही है। मैं जहाँ पे अपना इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं दूसरों के इंटरेस्ट को हार्म पहुँचा रही हूँ। अभी सर बात कर रहे थे मेन वक्ता हमारे कि लेबर जो है वो उसकी वैल्यू हम करते ही नहीं है लेबर की, और कैपिटलिस्ट जो है, लेबर एंड कैपिटल के बीच में कैसा कन्फ्लिक्ट आता रहता है। कॉरपोरेट सेक्टर हमारा कितना प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहा है, कितनी कॉम्पिटिशन रहती है कि हमारा नंबर वन होना चाहिए, और सारी कंट्रीज देख लीजिए, वर्ल्ड ओवर देख लीजिए, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम 5% बढ़ गई, 6% बढ़ गई, 5.2, 5.3 में भी झगड़ा होता है। तो मैं उस पॉइंट्स को भी कभी कभी समझने की कोशिश करती हूँ कि जो नीचे के लेवल पे हैं, बॉटम ऑफ द पिरामिड में, उनको क्या असर पड़ रहा है, 0.5 बढ़ गया है या 0.5 घट गया है, क्योंकि उनकी सिचुएशन मैं देखती हूँ वहीं की वहीं रहती है। तो सर इकोनॉमिक्स जो है ग्रोथ की तरफ जा रही है, GDP की तरफ गई है, इनकम्स की तरफ गई है, इल्यूजन की तरफ गई है, कोई प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, देशों में हमारा नाम हो जाए, कंपनियों में हमारा नाम हो जाए, इंडिविजुअल्स अपना सबसे रिचेस्ट कौन से 50 और रिचेस्ट कौन से 100 बन रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली वो इस मटीरियल वर्ल्ड की है, और है तो सोशल साइंस, है तो समाज के लिए, है तो लोगों के लिए, लोगों की बेटरमेंट के लिए लॉज होने चाहिए थे, या उसकी फिलॉसफी होनी चाहिए थी, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी। बट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इज दैट इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, दे हैव रियली मेड अस इनसेन।
और हम अपनी पीस ऑफ माइंड और ह्यूमैनिटी को कहीं ख़त्म कर बैठे हैं सभी। और ऐसे हालात में स्पिरिचुअलिटी का, चाहे वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी हो, चाहे वो गीता की फिलॉसफी हो, चाहे किसी भी और मेरे हिसाब से रिलीजन की हम बात करें, तो उसमें एथिक्स एंड मोरालिटी का बहुत रोल आ जाता है। और अनफॉर्चुनेटली एथिक्स और मोरालिटी की बात इकोनॉमिक्स में नहीं की गई, और मींस की बात हमने नहीं की, हमने एंड्स की बात की है। मुझे यहाँ पे गांधी जी याद आ जाते हैं, वो कहते हैं गोल बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, लेकिन गोल्स के साथ साथ तुम्हारे मींस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हाउ डू यू अचीव योर गोल्स? योर मींस हैव टू बी वेरी प्योर। अगर मींस प्योर नहीं है तो गोल्स भी प्योर नहीं हो सकते, फिर गोल्स से भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती। अगर आप हर टाइम प्रॉफिट्स और प्रोडक्शन और जीडीपी की बात कर रहे हैं, एंड यू आर एक्सप्लॉइटिंग योर नेचुरल रिसोर्सेज, यू आर एक्सप्लॉइटिंग योर पीपल, लेबर, इंडिसेंट जॉब जैसा आज देख रहे हैं आप। अब प्रोडक्शन कंपनीज की बात मैं क्या करूं, आप और हम सारे एजुकेशन से रिलेटेड हैं सर, और आप देखिए कि एजुकेशन में ही हमारी कमर्शलाइजेशन कितनी ज़्यादा है। जिन प्रोफेशंस को हम नोबल प्रोफेशंस कह रहे थे मार्केट से, उनका क्या हाल कर दिया है आप मेडिसिन में और एजुकेशन में देख सकते हैं कितनी गिरावट आई है मार्केट्स की वजह से और इकोनॉमिक्स की वजह से। क्योंकि एजुकेशन में डिमांड एंड सप्लाई का अगर रूल काम करेगा तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है, तो एजुकेशन कितनी एक्सपेंसिव है और आम बच्चा अफोर्ड भी नहीं कर सकता है किसी अच्छे स्कूल में जाना, अच्छी पढ़ाई पा पाना। मेरे इस संवेदनशील हृदय की वजह से और इन चीज़ों को थोड़ा गहराई से सोचने की वजह से एक मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी से रहा, और मैं उसको इंटरेस्ट इस तरह से भी कह सकती हूँ कि मैं उसको प्रैक्टिस करती हूँ, प्रैक्टिस मैं नहीं करती हूँ, वो करवाने वाला वही है, मुझे मैं नहीं यूज़ करना। और दूसरा, मैं कोशिश की, मैंने पिछले 15 सालों से एक समाज के जो पुअर बच्चे हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन है, उनके लिए मैं एक NGO रन करती हूँ, और अपने तरीके से ही मैंने उनको एक क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश की है। बच्चों को नर्सरी क्लास से पकड़ के सर मैंने कॉलेज तक पहुँचाया है, और अभी भी मैं वो काम करती हूँ कॉलेज के काम के साथ साथ। वो बेसिकली एक संवेदनशील हार्ट पैदा करना, एक संवेदना जागृत करनी समाज में बहुत ज़रूरी है। तो उसमें इकोनॉमिक्स ने नेचुरली हमें डेफिनेटली फेल किया है। तो जो मैं कह रही हूँ आपसे कि अगर एजुकेशन एक्सपेंसिव है, हेल्थ और उससे रिलेटेड सर्विसेज बहुत महंगी हैं, तो फिर डॉक्टर्स बन गए, टीचर्स बन गए, एंड यू हैव पेड सो मच ऑफ फी, एंड नाउ यू हैव टू रिकवर दैट फ्रॉम योर स्टूडेंट्स और फ्रॉम योर पेशेंट्स। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि समाज में शांति होगी, पीस होगी, या बुद्धा के जो मेन टेनेंट्स हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी के, उसमें कंपैशन बहुत बड़ा है, लव बहुत बड़ा है, नेचर के साथ कनेक्ट बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं नहीं सोचती कि आज हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हमने कितना नुकसान कर दिया है मानव मूल्यों का, समाज का, वातावरण का, अपने आप को उनसे अलग जोड़ तोड़ लिया है हमने। हम समझ रहे हैं कि शायद हम सेंटर हैं यूनिवर्स का, क्योंकि हमारे पास लॉजिक है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, और शायद हम सबसे सुप्रीम हैं। पर ये जो यूनिटी है, अगर इसको हम भूल जाएंगे फ्लोरा एंड फौना के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, स्थूल और सूक्ष्म जिसकी भी बात कर लिए करिए, मैं गुरबानी पढ़ती हूँ, उसमें एक बड़े सारे शब्द हैं, भजन हैं, वो कहता है सभ्य घट राम बोले, राम बिना को बोले रे, सभ्य घट राम बोले, राम बिना को बोले रे, एकल माटी कुंजर चींटी, पाजन है बहु नाना रे। कि चींटी का और हाथी का वो सब उसके अंदर एक ही चीज़ है। अगर चींटी और हाथी और पेड़ और पानी और जल और हवा सबके बीच में वही है, तो हम उसको कैसे पोल्यूट कर सकते हैं, हम उसे कैसे ख़राब कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आप देखिए सर, 19th century में या early 20th में एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स कोई इशू ही नहीं था, लेकिन आजकल अब एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, कॉस्ट बेनिफिट्स, एनवायरमेंट को हमने इतना पोल्यूट किया, फिर उसे रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले प्रॉफिट्स बना रहे हैं, फिर उसके ऊपर कॉस्ट खर्च कर रहे हैं, वापस वो चीज़ें दोबारा से आ ही नहीं सकती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम कोऑपरेशन को कंपटीशन से ऊपर रखें, इकोनॉमिक्स कंपटीशन पर बेस्ड है, इफ़ वी लर्न टू कीप कोऑपरेशन अबव कंपटीशन, इफ़ वी कीप कंपैशन अबव अनलिमिटेड कंजम्पशन। अब मेरी कंजम्पशन ड्रिवन सोसाइटी है सर, अभी बात कह रहे थे सर, आप पहले देखिए कि हम कहते थे नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि ज़रूरत पैदा होती है तो फिर इन्वेंशन होती है। लेकिन आजकल कंजम्पशन ड्रिवन सोसाइटी ऐसी हो गई है कि इन्वेंशन इज़ द मदर ऑफ नेसेसिटी।
कि अब इन्वेंशन हो गई चीज की, अब उसको इतना पब्लिसाइज किया जा रहा है, एडवर्टाइज किया जा रहा है, मार्केटिंग की जा रही है, कि अब हमें लगता है मेरा तो इसके बिना गुजारा ही नहीं है, हम रह ही नहीं सकते इसके बिना, वो हमारी नेसेसिटी बन जाती है। कंजम्पशन ड्रिवन सोसाइटी, इसमें वॉन्ट्स हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो इफ वी कीप कंपैशन अबव अनलिमिटेड कंजम्पशन, लव अबव हेट्रेड, एंड पीपल प्लैनेट एंड पॉजिटिविटी अबव प्रॉफिट्स, अगर हम इस प्लैनेट का ध्यान रखें पॉजिटिविटी के साथ और लोगों का ध्यान रखें, जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, जिन लोगों से हम काम करा रहे हैं, उन लोगों को हम यूज़ नहीं करें, उनको हम टूल्स नहीं समझ लें, तो मेरे ख्याल से ह्यूमन रेस को हम थोड़ा सा रिडीम कर सकते हैं। बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स, मुझे जैसे कल पता चला कि ऐसा ये व्याख्यान SDE कॉलेज में हो रहा है और मेरे से भी कहा जा रहा है कि मैं थोड़े अपने विचार व्यक्त करूँ, तो बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स कोई मटीरियल वेलबींग के अगेंस्ट नहीं है। फिजिकल प्लेयर्स ऑफ लाइफ ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो अटैचमेंट है इनके साथ मटेरियल के साथ, ये बहुत हमारे लिए बुरी साबित हो रही है। तो स्पिरिचुअलिज्म को, एथिक्स एंड मोरालिटी को जब तक हम इकोनॉमिक्स के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। सोसाइटी हमारी आगे भी बहुत नीचे जा चुकी है, बहुत कंसर्न का विषय है। जैसे अभी रिवर्स माइग्रेशन देखी हमने, हमें एक्सप्लॉइट करने की हमें पता ही नहीं चलता है सर कि हम क्या कर क्या रहे हैं। मेरे हिसाब से सेंसिटिविटी डेवलप करना हमारे एजुकेटर्स का सबसे बड़ा एक रोल होना चाहिए। अब मैं जब भी क्लासरूम में बात करती हूँ, मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही, दो चार मिनट और लूँगी बात खत्म करूँगी। सेंसिटिविटी डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। अब सेंसिटिविटी कैसी है कि मुझे कोई कुछ कहता है तो मुझे बहुत, मैं हर एक कोई कहता है, किसी से पूछिए मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, कितने सेंसिटिव है, मुझे कोई कहा जाए बुरी बात तो मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, लेकिन मैंने किसी के साथ बुरा किया मुझे उसका पता नहीं चलता है, ना शब्दों से, ना भावों से, ना अपने एक्शन से। तो जब हमारे में वो सेंसिटिविटी हम बच्चों में डेवलप करें, व्हाट इज मेंट टू बी सेंसिटिव, सेंसिटिव इज व्हेन यू फील पेन एंड बिकॉज ऑफ योर एक्शंस, बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स, आपके भाव की वजह से किसी को दुख पहुंचा है, अगर आप उसको दुख माने कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचा और आपको भी दुख हो जाए, वो सेंसिटिविटी है। मेरे को तो कोई कुछ कहता है तो वो तो सेंसिटिव सभी लोग हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई कैसी करवा रहे हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हम विषय कैसे पढ़ा रहे हैं। और ये जो आप इंटरडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैं होप करती हूँ कि इसमें अच्छी चीज़ें निकल के आएँ, पॉलिसी डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो और हम बच्चों को इंडियन जो ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, उनके साथ जोड़ के लेके चलें। ये नहीं कि बिजनेस कोऑपरेशन के बेसिस पे चल नहीं सकते। वो सेवा का काम किया एला भट्ट ने, गुजरात में शुरू किया और आप देखिए उसकी कितनी सारी शाखाएं और लाखों वेमेन को उन्होंने एम्पावर कर दिया। वर्गीस कुरियन ने मिल्क की रेवोल्यूशन ले आए, अमूल को स्थापित कर दिया। तो बिजनेसेस जो हैं और इकोनॉमी जो है वो कोऑपरेशन के बेसिस पे भी चल सकती है, सहयोग के बेसिस भी चल सकती है। गांधी जी की भी फिलॉसफी थी सेल्फ सफिशियंट रूरल एरियाज को, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसमें काम कर रहा है। तो आप देखिए कि जरूरी नहीं है कि बिग कॉरपोरेशंस और MNCs और विदेशों से साथ हमने काम करके ही उस पॉलिसी को इंडिया में लेके आना है, बल्कि अगर हम इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से एक मोड़ देने की कोशिश करें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन ट्रेडिशंस के अनुसार इसको चेंज करें, मोल्ड करें, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स और बुद्धिज्म दोनों बहुत अच्छा एक संगम हो सकता है और बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में, कॉरपोरेट सेक्टर के लिए भी। एक प्रैक्टिसिंग मॉन्क हैं वियतनाम के, थिच नैट हैन, जिनको कि थे कहते हैं ज़्यादातर लोग, थे के नाम से, मैं उनकी बहुत पढ़ती रहती हूँ उनकी बातों को, और वो फादर ऑफ इंगेज्ड बुद्धिज़्म कहे जाते हैं। इंगेज्ड बुद्धिज़्म का मतलब है कि वो माइंडफुलनेस की बात तो करते हैं, अवेयरनेस की बात तो करते हैं, मेडिटेशन की बात तो करते हैं, लेकिन साथ साथ वो सोशल एक्शन में भी बिलीव करते हैं। तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया है और ये कहा है कि हमें वही कि जो परमानेंट चीज़ है वो है हमारे एक्शंस, वो रहेंगे, वो मेरी थिंकिंग वो रहेगी, लेकिन ये बॉडी नहीं रहेगी, मटेरियल वर्ल्ड नहीं रहेगा। तो मटेरियल बॉडी से ऊपर उठ के अगर हम अपनी स्पीच, अपनी थिंकिंग, अपने एक्शंस और ट्रूली हम माइंडफुल हो जाएं, अवेयर हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, तो हमारी सोसाइटी बहुत हैप्पीनेस की तरफ जा सकती है। तो हैप्पीनेस को ग्रोथ के साथ, डेवलपमेंट के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। इफ वी फॉलो बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड बुद्धिस्ट फिलॉसफी, तो बुद्धा की फिलॉसफी बहुत ग्रेट है सर, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तो मैं इसी शब्द के साथ, इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगी और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज मुझे
इस मौके पे, और ये सारी बातें मेरे हृदय के बड़ी क्लोज हैं, ये मैं एक्शन में लेके आई हूँ। और मेरा लाइफ का यही एक मोटो भी है कि पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज, नॉट गेनिंग नॉलेज, बट राइट एक्शन ऑल्सो। तो राइट एक्शन, राइट कंडक्ट, राइट स्पीच अगर हमारी होगी और टीचर्स हमारे ऐसे होंगे जो इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि आगे जो हमारा फ्यूचर है वो अच्छा होगा। इकोनॉमिक्स और बिजनेस में आजकल मैं देख रही हूँ MBA के कोर्सेज में एथिक्स का और मॉरल वैल्यूज़ का एक पेपर भी लगाने लग गए हैं। तो बिजनेस हो, एथिकल तरीके से हो, बिजनेस हो, इकोनॉमी आगे बढ़े, नॉट बाई एक्सप्लॉइटिंग पीपल एंड प्लानट एंड रिसोर्सेज, बट उनको भी साथ में बचाते हुए। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी रखे हैं, 2030 तक उनको अचीव करना है, और उनमें भी सारी यही बातें हैं कि पावर्टी दूर हो, हंगर दूर हो, ये बेसिक चीज़ें हैं, तब इकोनॉमिक्स हम सक्सेसफुल मानेंगे। तो इकोनॉमिक्स का समावेश, इकोनॉमिक्स के समावेश में मेरे हिसाब से ये चीज़ें आनी चाहिए, जो स्पिरिचुअल कंटेंट है, जो एथिकल कंटेंट है, जो मॉरल कंटेंट है, ये बहुत इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम डॉक्टर सविता जी। मेरी आवाज थोड़ी गूंज रही है, हेलो सर आ रही है? ओके, आपने जो बात रखी हमारे साथ, जो शेयर की है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और वाकई उसकी अपेक्षा भी हमें है। एक सेंसिबल इकोनॉमिक मैन, उसका स्ट्रक्चर, उसका डिज़ाइन, उसका फॉर्मेट क्या हो, ये इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, और आपकी इस बात के लिए मैं प्रशंसा करता हूँ कि जो कुछ आप संवेदनशीलता के स्तर पर अनुभव करते हैं उसको आप एक्शन में भी लाते हैं। कुल मिलाकर के यही बुद्धिज्म है कि वो संवेदनशीलता को हम ट्रांसलेट कर सकें अपने एक्शंस में, और सोसाइटी के प्रति हम अकाउंटेबल हों, तो इससे बड़ी तो बात कोई हो ही नहीं सकती। आप बाकी आप प्रशंसा के योग्य हैं, और मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला हमारे लिए, और इस विषय को सुना भी, और इसके ऊपर आपने एक विस्तार से चर्चा भी की है। तो निश्चित रूप से इसमें कई संभावनाओं को और जन्म दिया है आपने। तो अगला जो विषय रखेंगे, अगली बार जब भी हम बात करेंगे, तो निश्चित रूप से इसकी कुछ और नई डायमेंशंस को देखेंगे कि हम और कौन सी सीढ़ियां आगे डेवलप कर सकते हैं, कौन से आगे आयाम इसमें ढूंढ सकते हैं। तो डॉक्टर अविनाश जी, आप जुड़े हुए हैं अभी? आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ सुन रहा हूँ जी। तो सर, आपने मैडम के कमेंट्स भी सुने हैं, उन्होंने कई जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है एक तरह की, बुद्धिज्म को ध्यान में रखते हुए उसकी एक नई डायमेंशन उसमें ऐड अप करती है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी आज की एक दूसरी उपलब्धि है। पहली उपलब्धि तो आप रहे, और दूसरी उपलब्धि मैडम की एक कंट्रीब्यूशन रही है कि उन्होंने इस चीज़ को इसमें ऐड अप किया है, और टिप्पणी बहुत ही खूबसूरत रही है। और मैं चाहूंगा कि अगर आपकी कोई संक्षिप्त सी कोई बात है, टिप्पणी इस सारे विषय पे करना चाहें, तो फिर उसके बाद मैं धन्यवाद आप सभी का करूंगा। नहीं, अब इसके बाद टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि मेरे आख्यान के उपरांत इतनी सारी बातों का इन्होंने विवेचन किया है, वो श्लाघ्य है और सबों का अनुप्रयोग अपेक्षित है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि इसके लिए हमारी संवेदनशीलता को विकसित करने की आवश्यकता है, वो केवल व्यक्तियों के लिए ही नहीं अपितु उन समस्त प्राणियों के लिए जिसके साथ हम माने वर्तना हमारी हो रही है। और इसके पहले मैं एक और आलेख लिख चुका था एनवायरमेंटल माने इकोलॉजी एंड बुद्धिज्म पर, और उसमें मैंने यह देखने का प्रयास किया है कि यह इकोलॉजी को भी हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, और उन समस्त चीज़ों के मूल में जो मैडम ने बड़ी अच्छी बात कही है वो हमारी है संवेदनशीलता, और वो अपनी संवेदनशीलता को इतनी दूर तक ले जाएं कि वो केवल मानव और मानवेतर प्राणियों में ही नहीं सीमित रहे, अपितु वह वनस्पति जगत को भी प्रभावित कर सके, और तभी हम एक इंगेज बुद्धिज्म की बात कर सकते हैं। इंगेज बुद्धिज्म एक ऐसा विषय है, ये इंटरडिपेंडेंट है, इसका तो अपना ही प्रत्यक्ष समुत्पाद है। कोई भी घटना अकारण घटती नहीं है, और अपने पूर्ववर्ती घटनाओं से वो जुड़ी हुई होती है। बिल्कुल, अगर हम गलती कर देते हैं तो उसका उसकी परिणति हमारे संततियों को भी भुगतना पड़ता है। इस कारण ही
सबसे समाप्त कर रहा हूँ अपनी बात को कि हमें अपने माइंड को ट्रेन करने की आवश्यकता है और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैन इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द गुड एंड बैड एक्शन और मैडम ने कहा है कि अनलेस एंड अंटिल वी इनकल्केट द वैल्यूज इन द माइंड आवर एक्शन कैन नॉट बी वैल्यू ओरिएंटेड आल्सो वो कहते हैं सबन तसन ये सभ्य कुब्बंगमा धम्मा मनोसिठा मनोमया मनसा चे प्रसन्ने न भासती वा करोती वा ततो वह सुख मन वेति छायावर्ण पावनी अगर हम अपने पॉजिटिव माइंड से कोई कार्य करते हैं तो ये सारी चीजें अनायास ही हमारे साथ जुड़ते आती हैं और एक सबका विकास की परिकल्पना उसमें आती है और अगर हमारा मन अगर प्रदूषित है तो वो विनाश की ओर हमें ले जाता है। वो कहता है और दुख हम ही होते हैं कहता है सभ्य कसंत दंडस्य सभ्य भाई मच्छनों अत्यान उपम ये तो इस प्रकार की जो बातें आ रही है तो सबसे पहले मैं मैडम की बातों की प्रशंसा करते हुए कहता हूँ कि फर्स्ट वी विल हैव टू ट्रेन अवर माइंड फर्स्ट वी विल हैव टू लर्न कि हाउ टू डील विद द पीपल और ये तभी संभव है कि हम मनुष्य और मानवेतर प्राणियों में भी उस चेतना का प्रसार देखें औद्ध की दृष्टि में। वैसे तो सब में आत्मा है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणों गभिहस्तनी सुच श्लोकाकी च पंडिता समदर्शन लेकिन बुद्ध की स्थिति में अगर सबों में समान चेतना का हम दर्शन करते हैं और समान प्रकार की अनुभूतियों का ही हम अनुभव करते हैं तो मैं समझता हूँ कि अकुशल कार्य की ओर हम प्रवृत्त न हो पाएंगे चाहे वो व्यवसाय का विषय हो या अन्य सामाजिक संरचनाएं हो। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को और आशुतोष जी को। सर धन्यवाद आपका है कि आपने जो नया विषय दिया है और उसकी इतनी सुंदर प्रस्तुति की है वाकई वो प्रशंसा के योग्य है और मैं चाहूँगा कि इस विषय को हम थोड़ा विस्तार करने का प्रयास करें और इसको पूरा जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था कि इसका एक एवेल्युएटिव मेथड जो है वो हम डिज़ाइन और डेवलप करें क्वेश्चनर्स की फॉर्म में और फिर हम सर्वे वर्क करें और फिर उसको निष्कर्षों को लेकर के जो है हमने कॉमन प्लेटफॉर्म पे सोशल साइंटिस्ट के साथ बातचीत करें और मैं उम्मीद करता हूं कि निकट भविष्य में हम ऐसा काम कर पाएंगे और जितने प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ तो चले गए हैं लेकिन जो जुड़े हुए हैं यदि उनमें से किसी की कोई ऐसी रुचि हो तो डॉक्टर साहब से बात भी कर सकते हैं या मेरे से संपर्क कर सकते हैं ताकि हम निकट भविष्य में ऐसा कुछ प्रयास कर सकें कि जिससे कि इकोनॉमिक्स में नई दिशाओं को हम या इकोनॉमिक्स को सेंसिटाइज कर पाए नई दिशा उसको दे सकें तो वैसा कोई प्रयास करने में किसी की उत्सुकता हो और उसमें उद्यम की भावना हो तो निश्चित रूप से संपर्क करें और कुछ ना कुछ हम इस विषय को नए सिरे से परिभाषित करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति अपने कॉलेज की ओर से और सनातन धर्म ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और इसके बाद अगले विषयों पर आप लोगों को आमंत्रित भी करता हूं कि नेक्स्ट वीक में जो है वो जो भी नए विषय आएंगे उनको आप लोगों के साथ हम साझा करेंगे और कोशिश करें यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसा विषय आता है जिसको हम नई एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में ले सकते हैं और प्रेफरेबली इंटरडिसिप्लिनरी जिसकी अप्रोच हो वैसा कोई भी आप विषय अगर हमें बताते हैं तो हम उसको जरूर टेकअप करेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली अगला जो विषय रहेगा एक तो हेल्थ के ऊपर रहेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपस में रिलेटेड हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच उसके ऊपर हो सकती है और उसके कंपैरेटिव जो है स्टेटमेंट हम लेंगे कि वेस्ट में जो हेल्थ के पैरामीटर्स हैं और जो हमारे ट्रेडिशनल हेल्थ पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर एक तुलनात्मक बातचीत करेंगे और इसी सब के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। यदि किसी ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ना भरा हो तो वो मुझे बता सकते हैं मैं लिंक दोबारा शेयर कर दूंगा और आप लोगों का सर्टिफिकेट आप लोगों तक पहुँच जाएगा। और मैडम आप प्लीज अपना फोन नंबर शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ तो मैं आप लेटर जो है वो भेज दूंगा। ठीक है सर मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने नहीं भरा अभी भरा नहीं है तो मैम जी तो आप प्लीज भर दीजिए एंड थैंक यू एवरीवन।
यू कैन लीव द मीटिंग नाउ, मैं दोबारा आपके लिए पोस्ट कर रहा हूँ। कोई नहीं सर, मैं फिर भर दूंगी। नहीं नहीं भर दीजिए साथ साथ, क्योंकि फिर इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर मुश्किल होगा। अविनाश जी, आपके साथ मैं दोबारा बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। नहीं ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है जी, हम लोग बात करेंगे। हाँ मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी फिर शेयर करूंगा अभी बाद में आपके साथ। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। आप सभी लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। मैडम पूनम आपने भर दिया फॉर्म? चंचल जी भर दिया, लवकेश डागर जी फॉर्म भर गया सर आपका? लवकेश जी रितु जी फॉर्म खुल गया आपका? मैडम रितु सर जी नहीं खुला अभी।